हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मोशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनय। दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करंट कीबोर्ड को रिप्लेस करके एक ऐसा कीबोर्ड चाहते हैं जो काफ़ी सिंपल हो, जैसे कि दोस्तों पुराने नोकिया के मोबाइल्स में रहता था, जिसमें 1 to 9 नंबर्स होते थे और इन्हीं नंबर्स में सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सी टाइप करना है तो आपको 2 जो है उसमें ABC 3 अल्फ़ाबेट्स रहते थे, और आपको सी टाइप करने के लिए और 2 को 3 बार प्रेस करना रहता था, जो काफ़ी सिंपल था दोस्तों। तो इस कीबोर्ड को अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अभी इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर उस कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ऐप पर जाना है। प्ले स्टोर ऐप पर जाके आपको ओल्ड कीबोर्ड नाम से एक ऐप सर्च करना है, जो सेमोन का है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेमोन कंपनी का ओल्ड कीबोर्ड यहाँ पर ऐप है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ दोस्तों। फिर इसके बाद आपको इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ सिस्टम एंड डिवाइस जो ब्लॉक है उसमें एडिशनल सेटिंग लास्ट में दिखेगा। ये देखो एडिशनल सेटिंग, जिसमें 3 डॉटेड लगे हैं, इस पर आपको एक बार टैप करना है दोस्तों। टैप करने के बाद आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि सेकंड नंबर पर है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको करंट कीबोर्ड पर एक बार टैप करना है। वहाँ से आपको लास्ट में ब्लू कलर में एक ऑप्शन दिख रहा है, चूज़ कीबोर्ड पर एक बार आपको टैप करना है, और आपको ओल्ड कीबोर्ड IME जो दिख रहा है ऑप्शन, उस पर आपको ऑन करना है। यानी कि दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है ये वही कीबोर्ड है जिसे हमने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ से इसे ऑन करना है आपको। ये मैंने ऑन कर दिया, ओके। फिर आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर वापस से उसी ऑप्शन पर जाना है, यानी कि आपको करंट कीबोर्ड पे एक बार टैप करना है, और यहाँ से आपको ओल्ड कीबोर्ड पे ओके करना है। अभी हमारा इंग्लिश जी बोर्ड है, हमें यहाँ से ओल्ड कीबोर्ड पे टैप करना है। तो दोस्तों, ये ओल्ड कीबोर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब हम टाइप करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो नोकिया कीबोर्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।